हेलो ऑल मामास एंड पापास, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। बच्चों को सुसु ट्रेनिंग कैसे दें, मेरा आज का टॉपिक वही है। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट्स किया था कि सुसु ट्रेनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो आपको पोटी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन सुसु ट्रेनिंग के ऊपर नहीं मिलेगा। मैंने जब स्टार्ट किया रूहानी को सुसु ट्रेनिंग देने के लिए, कोई वीडियो मुझे नहीं मिला। तो मैंने जो जो टिप्स फॉलो किया और मैंने जो गलतियाँ किया वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ताकि वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो एज वाइज बताऊंगी, वैसे पोटी ट्रेनिंग देते हैं लेकिन उसके साथ सुसु का जो है सुसु ट्रेनिंग भी देना चाहिए। मुझे तो बहुत दिक्कत हुआ था रूहानी को प्रॉपरली जाके कमोड में बैठ के जाके वो पी कर ले। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 6 महीने का बच्चा हुआ, आप ऐसे पकड़ के उसको क्या करिए, नीचे उसको जब भी एक तो पैटर्न होता है बच्चों का, जब दूध पीते हैं उसके थोड़ा देर बाद वो पी करते हैं, यूरिन पास करते हैं। कई कई बच्चे 1 घंटे के बाद, वो तो आपको पता, 6 मंथ्स में आपको पता चल चुका होगा कि बच्चे का पैटर्न क्या है, किस टाइम वो सुसु कर रहा है, पोटी कर रहा है। तो आप क्या करिए, जिस टाइम बच्चे का यूरिन पास करने का टाइम होता है, सुसु करने का टाइम होता है, आप क्या करिए, बच्चे को नीचे ले आइए। 6 महीने का बच्चे को नीचे उसको ऐसे पकड़ के रखिए। एक साउंड होता है, ये घर में आपको भी सजेस्ट किए होंगे, जो आपके इन लॉज हैं या आपके मम्मी हैं जो बड़े हैं, आपको सजेस्ट किए होंगे कि ऐसे साउंड निकालो करके, एक फनी साउंड होता है, ऐसा साउंड निकालो बच्चा सुसु कर लेगा। और बिलीव मी फ्रेंड, ये काम करता है। और मेरा फर्स्ट गलती यही था कि मैंने ये ट्राई नहीं किया। जितना भी लोगों से मैंने पूछा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे बड़े, अभी बड़े बच्चे हैं, उनसे मैंने टिप्स मांगा, क्योंकि मुझे नेट में नहीं मिला प्रॉपरली कैसे सुसु ट्रेनिंग दे दूँ मेरे भानी को, तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट मुझे यही बताया। और अभी भी मैं देखती हूँ छोटे बच्चे जिनका है ये टेक्निक यूज़ करते हैं, वो काम करता है। तो आप 6 मंथ से बच्चे को भी आप सुसु ट्रेनिंग दे सकते हैं। देन अगर आपका बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, 1 साल के हो चुके हैं, तो आप क्या करिए, डायपर तो बिल्कुल भी मत पहनाइए, ट्राई करिए डायपर नहीं पहनाने के लिए। ठीक है, आपका अगर जॉब है, आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, घर में मैड को छोड़ के जा रहे हैं, आया रहती है, तो ठीक है डायपर पहनाइए, लेकिन जितना टाइम भी आप घर में हैं ट्राई करिए डायपर नहीं पहनाने के लिए। क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि डायपर पहन रखा है उन लोगों ने, उनका तो कुछ गीला होने वाला नहीं है, कपड़े भी गीला नहीं होंगे, तो वो आराम से सुसु कर लेते हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए, जब बच्चा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया, आपको लग रहा है कि अभी वो यूरिन पास करने वाला है, अभी पी करेगा, तो क्या करिए, उसको लेके जाइए। अगर आपके पास पोटी ट्रेनर है, पोटी ट्रेनर जो आता है वो है, उससे भी आप बता सकते हैं, यहाँ बैठ के कराने के लिए बिठा सकते हैं, आइदर टीवी देखे देखे करें या जैसे भी करें। नहीं तो डायरेक्ट जो कमोड के ऊपर डालने के लिए और एक पोटी ट्रेनर आता है, उसमें भी आप उनको पकड़ के सिखा सकते हैं। 1 साल से ही स्टार्ट करिए, नहीं तो कुछ नहीं, आप बाथरूम में भी जाके उनको सिखा सकते हैं। कुछ नहीं, 3 दिन ही मैक्सिमम लगेगा बच्चे को ट्रेन करने के लिए। मुझे 3 दिन ही लगा, और मैं सोच रही थी तब से, मैं रूहानी को कब ट्रेनिंग दी, 2 साल, जब उसको 2 साल होने वाला था तब, मैं सोच रही थी मैं पहले क्यों नहीं स्टार्ट की। 3 दिन का ही बात है, 3 दिन में आराम से सुसु ट्रेनिंग, वो लोग सुसु करना सीख जाएंगे बच्चे। ठीक है, अभी अगर आपके बच्चे 1 साल से बड़े हैं तो भी कोई बात नहीं, 2 साल का बच्चा है या 2.5 साल का बच्चा है, आप क्या करिए, उसको लेके जाइए, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने ट्राई किया, क्योंकि मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी। ये टिप्स आप जैसे भी करके फॉलो करिए, कुछ नहीं, बच्चे को लेके जाइए, बिठाइए। 2 साल के बच्चे में इतना समझ होता है कि वो उनका कब, उनको कब सुसु आ रहा है, वो उनको पता चल जाता है। जाइए, आपको लग रहा है कि बच्चा को सुसु लग रहा है, क्योंकि उनका एक्टिंग देख के तो आप समझ जाएंगे कि उसको सुसु आ रहा है। काफ़ी बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइन देते हैं। मेरी बेटी जैसे पूरा दोनों लेग को क्रॉस कर लेती है, या ऐसे ज़बरदस्ती बैठ के मुंह को अजीब अजीब टाइप का बनाती है, मैं समझ जाती हूँ इसको आइधर पोटी आ रहा है, नहीं तो सुसु आ रहा है।
तो मैं उसको तुरंत ही जो मैं खाना खिलाऊँ, खाना बना रही हूँ, जो कर रहे, जो भी काम मेरा होता है उसको वहीं पे स्टॉप करके उसको जाके कमर में बिठाती हूँ। तो बेटर है आप अगर 2 साल के बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं तो जो आपके बाथरूम है वहाँ पे ही डायरेक्ट स्टार्ट करिए, आपको इजी रहेगा उसमें। अगर पोटी ट्रेनर में स्टार्ट करेंगे उसके बाद उसको कमर में स्टार्ट करेंगे थोड़ा आपको दिक्कत होगा। 2 साल के बच्चे को डायरेक्ट कमर में ही स्टार्ट करिए, बिठा दीजिए, हाथ पकड़ा के बिठाइए। उसके बाद कुछ नहीं, आपको बहुत सारा उनको स्टोरी सुनाना है, लालच देना है, चॉकलेट का लालच नहीं देना है। चॉकलेट का लालच देंगे वो और एक आपको हेडेक होगा, उसको कैसे छुड़ाएं। जिस टाइम पी करेगा उसको चाहिए चॉकलेट, उसका आदत आप नहीं छुड़वा सकते। तो जब भी बैठा, गुड गर्ल मैं जो करती थी, ये टिप्स मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था जिन लोगों का बड़े बच्चे हैं, तो ये टिप्स काम करता है। गुड गर्ल, अभी रूहानी सुसु कर लेगी। तो जब भी सुसु की, आप क्या करिए, उनके एनकरेज करिए। उसके बाद उनके साथ एक गेम खेलिए, देखो रूहानी ने सुसु किया, वो गुड गर्ल हो गई, उसका इतना पॉइंट्स आया। ऐसा भी कुछ भी आप अपने मन से बना के एक गेम उनके साथ खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम देखिएगा, बिलीव मी, 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन, मुझे तो 3 डेज लगा था, कुछ नहीं तो 1 वीक में जैसे भी करके बच्चा सुसु करना सीख जाएगा। वो उसको एक, उसको भी एक इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैं गेम खेल रही हूँ। मैं क्या करती थी, जब कमोड के ऊपर बिठाती थी, फ्लश जो करते हैं उसी को ही वो ही करती है। तो 2 दिन, तो 1 दिन के बाद, पहले तो मुझे ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता था, सेकेंड डे उसको फ्लश करना होता है, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के जाती है पी करने। मुझे जहाँ भी मैं रहूँ मुझे घींच घींच के लेके जाती है, नहीं तो उसके पापा को घींच के लेके जाती है। पी करना है, फ्लश करना है, फ्लश करने के लिए ही हो जाती है पी करने। उसके बाद 3 दिन के बाद उसका आदत हो गया। अभी तो वो बिल्कुल ही, स्कूल में भी मैं उसको डायपर पहना के नहीं भेजती हूँ, प्ले स्कूल जाती है, डायपर पहन के नहीं जाती है। स्टार्टिंग वहाँ पे तो ऐसे भी आया होते हैं, वहाँ पे जाके उनको कराते हैं, लेकिन बेस्ट है आप घर से ही उनको ट्रेन करके भेजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टिप्स काम आया होगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो 6 मंथ से ही स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल मॉम्स किड्स केयर।